दोस्तों नमस्कार, स्वागत है वंशकार के एक नए वीडियो में। सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेनॉल्ट की क्विड है ये, और रेनॉल्ट ने एक नया फेस्टिव सीजन में अपना लिमिटेड डे एंड नाइट लिमिटेड एडिशन लॉन्च करी है, जो कि आपको तीनों गाड़ियों में देखने को मिल जाएगी, क्विड में भी और काइगर में भी, ट्राइवर में भी। तो सबसे पहले हम क्विड की बात करते हैं। तो इस वीडियो में आप क्विड देखने वाले हैं, और इस किस वेरियंट में आपको मिलने वाली ये है, क्विड में आपको RXL ऑप्शनल में मिलती है, और वहीं अगर आप जाते हो काइगर और ट्राइवर में, तो उसमें आपको RXL में डे एंड नाइट लिमिटेड एडिशन चीज़ें मिल जाती हैं। क्या प्राइस अपडेट हुआ है, क्या कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं, सब चीज़ हम बात करने वाले हैं। और सामने आप जो क्विड देख रहे हैं, ये एक SUV स्टाइल जो है, इंस्पायर्ड है SUV से, और ये आपको बहुत ही कम बजट में SUV स्टाइल आपको छोटी गाड़ी मिल जाती है। ये आपको ऑटोमेटिक में भी मिलती है, और साथ में आपको मैनुअल भी आ जाती है। 1 लीटर में आती, पहले 800 CC में आती थी, वो डिसकंटिन्यू कर दी गई। ये आपको 1 लीटर पेट्रोल 3 सिलेंडर में मिलने वाली है। सबसे पहले इसकी की देखते हैं। तो RXL ऑप्शनल में जो फीचर्स मिलते थे, वही आपको इसमें मिलने वाले हैं। कुछ ऐड किए गए हैं, जैसे आप फ्रंट्स में देख सकते हो, ऊपर आपको पियानो ब्लैक वगैरह काफ़ी यूज़ किया गया है, ग्रिल में, इसके अलॉय में, मतलब जो भी फ्लेक्स व्हील मिलते हैं उसमें, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले फ्रंट से देखते हैं, तो ये है इसका फ्रंट से लुक्स आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ग्रिल देख सकते हैं, ग्रिल में ये पियानो ब्लैक कुछ एलिमेंट यूज़ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी आपको लोगो वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका जो हेडलैम्प है, वो आपको हेलोजन में यहाँ पे मिलते हैं, जो कि अगेन वही आता है पहले से ही RXL ऑप्शनल वाला ही। यहाँ पे आप टर्न इंडिकेटर वगैरह देख सकते हैं, लाइट काफ़ी ज़्यादा ये शार्प और काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके जो बम्पर दिए गए हैं, वो आपको इसके प्लेट वगैरह मिल जाते हैं ब्लैक में। ओवरऑल ऐसे आपको फ्रंट से ही इसके लुक्स नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, एक वाशर मिलता है, और इसका जो वाइपर है वो सिंगल वाइपर है, पूरा कवर करता हुआ दिख जाता है। तो ये इसके फ्रंट से लुक्स आ जाते हैं। अगर आप साइड की तरफ चलते हैं, तो ये इसके साइड लुक्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। अब इसमें साइड में क्या कुछ चेंज किया गया है, सबसे पहले आप इसके जो व्हील कैप देखते हैं, तो व्हील कैप जो है वो एक्चुअली ये एलॉय नहीं है, लेकिन ये फ्लेक्स व्हील है। यहाँ पे कवर लगाया गया है, वो ब्लैक पियानो में लगाया गया है, और दूर से देखने के बाद पूरा आपको एलॉय ही दिखता है। C8 के टायर मिल जाते हैं, और टायर साइज़ की बात करते हैं, तो 165/70 R14 का आपको यहाँ पे टायर सेक्शन देखने को मिलता है। जो टर्न इंडिकेटर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, प्रॉपर क्लाइडिंग वगैरह मिलता है। 1.0 है, तो उसकी क्लाइडिंग में लिखा हुआ मिल जाएगा, पूरा स्पोर्टी फील आपको यहाँ पे नज़र आती है। ORVM देख सकते हैं, वही मिलता है जो RXL ऑप्शनल में मिलता है, वही इसमें भी दिया गया है। प्रॉपर प्लास्टिक में इसके डोर हैंडल्स मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको पूरा जो रूफ है वो आपको ब्लैक पियानो में देखने को मिल जाएंगे, वाइट और इसका जो कम्बिनेशन देखा, इसी वजह से इसका नाम भी डे एंड नाइट लिमिटेड एडिशन रखा गया। और ये एडिशन जो है, फेस्टिव जो सीजन चल रहे हैं उसको देख के रखा गया है, और वो 1600 यूनिट ही केवल गाड़ी ये कंपनी बनाएगी, उसी हिसाब से आप इसको बुकिंग कर सकते हैं। तो ये था इसका साइड से लुक्स वगैरह, बाकी जो डायमेंशनल चीज़ें हैं सब कुछ वही सेम है। पीछे चलते हैं, तो ये है इसका रियर से लुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये है इसका टेल लैम्प, हेलोजन में मिलने वाले हैं, जो कुछ टेल लैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पे जो क्विड लिखा हुआ है, वो भी ये चेंज कर दिया गया है, देख रहे हैं आप, ब्लैक पियानो में आपको यहाँ पे भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। हाई मोटर स्टॉप लैम्प दिया गया है प्रॉपर। नीचे आपको यहाँ पे रिवर्स जो सेंसर्स है वो मिल जाते हैं, और यहाँ से मैं आपको बूट एक बार चेकआउट कराता हूँ। ओके, ये आप बूट देख सकते हैं, 279 लीटर का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है, और सीट को आप ना स्प्लिट कर सकते हैं। सीट को स्प्लिट करने के बाद प्रॉपर काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको अबाउट 620 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। तो ये ऐसा कुछ मिलता है। नीचे यहाँ पे देखते हैं, स्पेयर व्हील्स मिल जाते हैं, अगेन से 14 इंचज़ के यहाँ पे आपको पूरा इसका साइज दिया गया है। आप इसके अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, तो 184 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और इसीलिए ये बोला जा रहा है कि ये एक SUV से इंस्पायर्ड है। बाकी ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं, तो 3731 mm का आपको 3731 mm का आपको पूरा इसका लेंथ मिल जाता है। ओके, तो भाई इसके अंदर में चलते हैं, और ये है इसका डोर ट्रिम, आप देख सकते हैं, जो कि RXL ऑप्शनल में आपको मिलते हैं, तो वही डोर ट्रिम आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे ही डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और ये है इसका इंटीरियर, आप देखिए अंदर में चलते हैं। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, केवल ये वाला आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, कोई एडजस्टमेंट आपको हेडरेस्ट नहीं मिलने वाला है। बाकी अंदर बैठते हैं, ये है इसका पूरा डैशबोर्ड, आप देख सकते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे डैशबोर्ड है। चाबी मैं एक बार लगाता हूँ, दिखाता हूँ आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह। ओके, तो ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में अभी हमें, और ये ऐसे कुछ आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं।
ये देखिए, अब इसमें आपको 9 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम मिले, मतलब ये पहले इसमें RXL ऑप्शनल में आते हैं, लेकिन डे नाइट लिमिटेड एडिशन जो ट्राइवर और काइगर में है उसमें आपको RXL में ही ये एडिशन दिए गए हैं, जिसमें वो नहीं आते थे तो उसमें इसको ऐड कर दिया गया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका भी दोनों का रिव्यू चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अभी तक नहीं आया तो वो वीडियो जस्ट वो वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, आप सब्सक्राइब करके रखें ऐसे और सारे अपडेट के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। RPM मीटर इधर दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाते हैं, इधर आपको जो किलोमीटर वगैरह है वो मिल जाता है। बाकी ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्टेयरिंग वगैरह प्रॉपर ऐसा कुछ मिलता है, यहाँ पे लोगो मिल जाता है रेनॉल्ट का। AC वेंट्स जो है वो दिया गया है, पियानो फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं, लॉक का दिया गया है, यहाँ पे हजार्ड्स का बटन दिया गया है, इधर आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रॉपर फिट एंड फिनिश भी अच्छा मिलता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। इंटीरियर में जब आप बैठते हो ना तो एक प्रीमियम फील आपको रेनो की गाड़ियों में आती है। क्विड लिखा हुआ मिल जाता है, यहाँ पे एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, इधर आप देख सकते हैं ग्लोव बॉक्स काफ़ी डीप दिया गया है और सेफ भी है, गाड़ी अच्छी है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हालांकि ये चीज़ें हैं एकदम डंडी दे दी गई है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे भी चेंज किया जा सकता था लेकिन फिलहाल ठीक है। और यहाँ पे IRM छोटा सा दिया गया है, और इधर आपको वैनिटी मीटर नहीं मिलता है, लाइट पीली मिल जाती है। और ये है अगर सेंटर कंसोल में जो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस मिल जा रहा है वो मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट वगैरह मिल जाते हैं, इधर आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। सीट तो मैं दिखाई दिया हूँ आपको, बाकी यहाँ पे जो स्पेस है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ये देखिए। बाकी यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है, यहाँ से देख सकते हैं, टिल्ट यहाँ पे नहीं मिलता, वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। तो ये आपको पूरा इंटीरियर मिलने वाला है इस डे नाइट लिमिटेड एडिशन में। बाकी रियर की तरफ चलते हैं। ओके, तो इसके रियर में अगर हम देखें तो ये डोर ट्रिम फ्रंट की तरह ही आपको मिलने वाला है, यहाँ पे पावर विंडो नहीं मिल रहा है, इधर आपको मैनुअल दिया गया है, और यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अंदर बैठते हैं तो आपको यहाँ पे जो सीट दिया गया है वो फैब्रिक बॉस्ट मिलती है, कोई यहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, सीट बेल्ट वगैरह दे दिया गया है, ग्रैब हैंडल दिया गया है। और जब पीछे से आप देखते हैं तो आपको पूरा डैशबोर्ड ऐसा कुछ दिखने वाला है। ओके, तो ये हो गया इसका पूरा इंटीरियर, ऐसा कुछ मिल जाता है छोटी सी गाड़ी का। तो भाई यहाँ पे हमने देखा डे एंड नाइट लिमिटेड एडिशन, पूरा एक्सटीरियर इंटीरियर में क्या कुछ आपको अपडेट मिलता है वो। बाकी इसके इंजन स्पेक्स की बात करते हैं तो ये आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर 4 वाल्व के साथ में आती है, और ये मैक्सिमम पावर जनरेट करती है 67 BHP का विद 91 Nm का टॉर्क निकाल के देती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। और इसके अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको अभी लिमिटेड एडिशन में 5,10,000 रुपये एक्स शोरूम के साथ में मिलने वाली है। अभी हम रायपुर रेनॉल्ट में हैं और यहाँ पे आपको ये 5,10,000 रुपये के आसपास एक्स शोरूम कीमत देखने को मिल जाती है। बाकी ये अपडेट आपको कैसे लगे, इस प्राइस पॉइंट में आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।